फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप खुद से अपना ईएसआईसी का जो पैसा है उसको चेक कर सकते हैं, कितना बैलेंस आपके ईएसआईसी कार्ड में है वो आप कैसे पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपली हम सबको पता रहता है कि हमारे यूएन में हम कैसे बैलेंस चेक करते हैं, अपना जो पीएफ में कितना पैसा जमा है उसको कैसे चेक करते हैं, अपना पासबुक पोर्टल पे जाके हम चेक करते हैं। लेकिन ईएसआईसी में हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कितना पैसा जमा है, हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कितना पैसा हमारा जमा हुआ है उसके बेस पे हमारा जो ट्रीटमेंट है वो होगा या नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो ईएसआईसी अकाउंट है, ईएसआईसी का आपका जो पोर्टल है उस पर आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका हर महीने कितना पैसा जमा होता है, पिछले 6 महीने में कितना जमा हुआ है, 1 साल में कितना जमा हुआ है, क्या आप ईएसआईसी का बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ईएसआईसी का जो होम पेज है उस पर जाते हैं, www.esic.gov.in। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा इंश्योर्ड पर्सन बेनिफिशियरी, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके करने के बाद आपके पास जो इंश्योर्ड पर्सन का पोर्टल है वो ओपन होगा। यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी आपका जो इंश्योरेंस नंबर है, ईएसआईसी नंबर है वो यहाँ पे रहेगा। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे जो इंश्योरेंस पोर्टल है, इंश्योर्ड पर्सन का जो पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। जो पॉपअप आपको दिखाई देगा उसको आपको क्लोज करना है। पॉपअप क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपकी बेसिक डिटेल आपको ऊपर देखने को मिलेगी, साथ ही साथ नीचे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इंश्योर्ड पर्सन और वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो इंश्योर्ड पर्सन वाला जो टैब है इस पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमें देखना है कि हमारा पैसा ईएसआईसी में कितना जमा हुआ है, इस महीने कितना हुआ है, पिछले महीने कितना हुआ है, पिछले 6 महीने में कितना हुआ है, 1 साल में कितना हुआ है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन का जो टैब है उसमें 3rd ऑप्शन है कॉन्ट्रीब्यूशन डिटेल, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जैसे पीएफ में पासबुक ओपन होता है ऐसे ही यहाँ पे आपका पोर्टल ओपन होगा। और इस पोर्टल पे आप देखेंगे आपका वेज पीरियड है, वेज पीरियड में यहाँ पे आपका मंथ रहता है कि कौन कौन से मंथ है, टोटल मंथली वेजेस यानी कि आपकी सैलरी कितनी है, नंबर ऑफ डेज पेबल यानी कि कितने दिन आपने काम किया है, कितने दिन का कंट्रीब्यूशन आपका जमा हुआ है, उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपका पैसा कितना जमा हुआ है। तो अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे पीएफ में आपका रहता है ना कि 12% आपका रहता है, 12% एम्प्लॉयर का रहता है प्लस 1% आपका एडमिन चार्जेस रहता है। सेम ऐसे ही ईएसआईसी में आपका 0.75% आपका रहता है, 3.25% एम्प्लॉयर का रहता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप अपना कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। लेकिन सिंपली है कि अगर आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है तो एम्प्लॉयर ने भी आपका पैसा जमा किया है। अब देखिए यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी चल रहा है आपका अगस्त का जमा होगा सितंबर में, तो यानी कि जुलाई तक का जो पैसा है आपका देख सकते हैं जमा हुआ है अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 10,000 रुपए आपके यहाँ पे वेजेस ली गई है, 4 महीने का कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डेज है कि आपने अप्रैल में 30 दिन काम किया है, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, यानी कि फुल डे वर्किंग आपने किया तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो फुल गया है 75 रुपीज। उसके बाद अगर आपको इससे पीछे का देखना है, 2023 का देखना है, अप्रैल टू सितंबर का आपने देखा, आपने अक्टूबर टू मार्च का अगर देखना है तो वो आप कैसे देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे अप्रैल 23 से आप देख सकते हैं सितंबर 23 का कंट्रीब्यूशन पीरियड, आपको पता है 6 महीने का रहता है, अप्रैल टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च। तो यहाँ पे अप्रैल टू सितंबर का जो कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, ये इनका वेजेस है, ये इनका नंबर ऑफ डेज है और यहाँ पे एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद अगर हम बात कर लें अक्टूबर टू मार्च अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप अक्टूबर टू मार्च सिलेक्ट करेंगे, अक्टूबर 22, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप मंथ वाइज देख सकते हैं, अक्टूबर टू मार्च, अप्रैल टू सितंबर, यहाँ पे सितंबर 2023 तक आ गया। अभी हम चलते हैं 2024 में, ऐसे ही आप 2022 का देख सकते हैं, 23 का देख सकते हैं, 24 का देख सकते हैं। इसमें हम गए यहाँ पे देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो इस तरह से आप जो यहाँ पे अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं कि ईएसआईसी में आपका जो आपकी कंपनी है कितना पैसा आपका जमा हुआ है अभी तक। आप देख सकते हैं अप्रैल 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक सिर्फ 300 रुपए आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे जमा हुआ है, 300 आपका हुआ है और 3.25% मैंने बताया कि एम्प्लॉयर आपका जमा करता है। यहाँ पे आपका जो कंट्रीब्यूशन रहता है
कितना पैसा जमा हुआ है वो मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि कितने दिन का जमा हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ डेज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ईएसआईसी में कोई भी ट्रीटमेंट आपको लेना है, कोई भी बेनिफिट लेना है, वो डिपेंड करता है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितने दिन का गया है। 78 डेज का मैंने बताया, जैसे सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए 78 डेज का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अगर आपको सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट लेना है। आपकी फैमिली में अगर किसी को सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट लेना है तो उनका 78+78 डेज का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एक साल में। तो इस तरह से यहाँ पे अमाउंट मायने नहीं रखता, लेकिन आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मायने रखता है कि किस महीने में गया है, कितने महीने का गया है, कितने साल का गया है, उसी के बेस पे आपको बेनिफिट मिलता है। वेजेस आपकी काम आती है जब आपको कैश बेनिफिट लेना होता है, यानी कि अगर आपको सिकनेस का बेनिफिट लेना है, डिसेबलमेंट का बेनिफिट लेना है, परमानेंट डिसेबलमेंट का लेना है या टेम्परेरी डिसेबलमेंट का लेना है, उस केस में जो सैलरी आपको ईएसआईसी से मिलती है तब आपकी ये सैलरी देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप ईएसआईसी में खुद से लॉग इन करके ये पता लगा सकते हैं कि ईएसआईसी में आपका किस महीने में कितना पैसा जमा हुआ है, कितने महीने का पैसा जमा हुआ है, कितने साल का जमा हुआ है, और इसी पैसे के बेस पे, इसी कॉन्ट्रीब्यूशन के बेस पे आप जो ईएसआईसी से अलग अलग जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। सिकनेस बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट है, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट है, सुपर स्पेशलिटी बेनिफिट है, आपका टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट है, यानी कि कैश बेनिफिट है, ये सारे बेनिफिट आप ईएसआईसी से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।